पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमेशा ही से अपने ड्रामास के ज़रिए नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है। गुज़श्ता कुछ सालों में टीवी स्क्रीन पर बहुत से नए चेहरे देखने को मिले, लेकिन इन सब के बावजूद लोग टीवी पर कुछ ऐसे चेहरे दोबारा देखने के मुंतज़िर हैं जिनका फोकस टीवी से हटकर फिल्म की तरफ हो गया था। ऐसी ही एक एक्ट्रेस माया अली हैं, जिन्होंने दयारे दिल और मनमायल जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामास में काम किया, लेकिन उसके बाद लंबे अरसे के लिए टीवी स्क्रीन से गायब हो गईं और उसके बाद बड़े हार्ट लव और तीफा इन ट्रबल जैसी मूवीज़ में नज़र आईं, लेकिन उनके फैंस उन्हें दोबारा टीवी पर देखना चाहते हैं। माया अली ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और ये बात कन्फर्म की कि वह दोबारा टीवी ड्रामास में नजर आएंगी और उनके अपकमिंग ड्रामा का नाम पहली सी मोहब्बत है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामे में वो हमें बड़े हर्ट लव के को स्टार शहरयार मुनव्वर के साथ नजर आएंगी। माया अली ने अपने ड्रामे के हवाले से बात करते हुए बताया कि मैं 3 साल के गैप के बाद दोबारा टीवी के लिए काम करूंगी और चीज़ें जिस तरह से बदल गई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक नई शुरुआत है और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। आपको बताते चलें कि माया अली पहली दफ़ा ARY डिजिटल के किसी ड्रामे में काम कर रही हैं जिसे अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उन्होंने बताया कि ये सास बहू टाइप ड्रामा नहीं और इसका थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। माया अली ने इस बात का इतराफ़ किया कि जिस तरह से पिछले कुछ अरसे में ड्रामास का ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले ड्रामा देखा जाता है और फिर इस पर रिव्यूज़ दिए जाते हैं, मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस इस ड्रामे को पसंद करेगी क्योंकि ये ड्रामा टिपिकल ड्रामा नहीं है। माया अली की तरह शहरयार मुनव्वर भी हमें 6 साल के गैप के बाद दोबारा किसी ड्रामे में नज़र आएंगे। इससे पहले उन्होंने ड्रामा सीरियल आसमानों पर लिखा में अदाकारी की थी और फिर इनका ज़्यादा फोकस फिल्म प्रोडक्शन की तरफ हो गया था। अभी इस ड्रामे की मुकम्मल कास्ट के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं किया गया, लेकिन ज़राए के मुताबिक मशहूर फैशन डिज़ाइनर HSY भी इसकी कास्ट का हिस्सा होंगे। पहली सी मोहब्बत की शूटिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और इसे हम 2020 के एंड या 2021 के आगाज़ में टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इस ड्रामे के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय से मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।